रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, पैसे किसको नहीं लगते अच्छे, यानी कह दें कि पूरे साल में अगर 12 मंथ होती है और हम जहां इम्प्लाई करते हैं वहां 13 मंथ की सैलरी मिलती है, तो सबको अच्छा लगेगा कि एक महीने का एडवांस सैलरी मिलता है। यही काम होता है रेलवे में आपका बोनस और डीएमआरसी में बोनस, हम दोनों की बात कर लेंगे। हालांकि रेलवे का बोनस अलग क्रिटेरिया होता है, डीएमआरसी का अलग होता है, दोनों का नाम भी अलग होता है, इसलिए दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है डिटेल, क्योंकि कुछ लोगों का क्वायरी ये आया था कि रेलवे की बोनस के रिगार्डिंग बताइए जिसमें 78 डे बोला गया है। कुछ लोगों ने बोला रेलवे में मेट्रो में तो 40 डे की बोनस मिली थी पिछले साल, क्या अंतर पड़ेगा दोनों में, यानी 40 और 78 डे में कौन सा अच्छा बोनस है। तो स्टील मैं कहूँगा 40 दिन का बोनस डीएमआरसी का अभी भी बेटर है रेलवे के 78 दिन बोनस के मुकाबले। कैसे देखेंगे वीडियो में, समझेंगे आपके साथ। कुछ लोग कहते हैं चैनल वाले को कुछ नहीं पता, वो भी आपको समझाएंगे कि कुछ तो ज़रूर पता है, हाँ आपके इतना नहीं पता है। तो चलिए इसको डिटेल में हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोसेस को हम करेंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में। पहला क्वेश्चन लोगों का सबसे ज़्यादा यही आया है कि क्या मैं 2019 में ज्वाइनिंग किया हूँ, बोनस मिलेगा क्या, एलपी ज्वाइनिंग किया हूँ और टेक्नीशियन तो रेयर केस में हुआ है, यानी ग्रुप डी ज्वाइन किया हूँ, एलपी और ग्रुप डी वाले को बोनस मिलेगा क्या, ऐसा सवाल है लोगों का। तो इसको जानने के लिए हम समझना पड़ेगा कि बोनस कब मिलता है, किस पीरियड क्यों मिलता है। तो फर्स्ट कैंडिडेट का कमेंट फर्स्ट, उसके बाद करेंगे पीएलबी बोनस का मतलब क्या होता है। बोनस को रेलवे में पीएलबी और दिल्ली मेट्रो में एक्स ग्रेसिया बोलते हैं या ग्रेसियो बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बोनस किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, वो भी बात कर लेंगे। 78 दिन बोनस मिलता है तो इसमें कितना बनेगा हमें कैलकुलेट करके, और अधिकतम बोनस कितना मिल सकता है रेलवे की, मेट्रो की तो मिनिमम हम बात कर लेंगे और आपका रेलवे का अधिकतम की बात या मैक्सिमम की बात कर लेंगे। तो सबसे पहला कॉमेंट उन्हीं लोगों का जिनके उन्होंने 2019 में ज्वाइन किया है, उनको बोनस मिलेगा क्या। तो सबसे पहली कंडीशन आपके साथ मैं रखूँगा, बोनस मिलता क्या है। 2019 का दिवाली आएगा अभी नवंबर में, ध्यान दीजिएगा, ये 2019 में जो बोनस आपको 78 दिन का मिल रहा है, इसका टाइम पीरियड होता है आपकी अप्रैल, देख लीजिएगा ध्यान से, अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2019 तक। तो अगर इसमें आपकी ज्वाइनिंग है तभी आपको ये नवंबर में बोनस मिलेगा, और एलपी और ग्रुप डी के केस में माने तो मार्च से पहले किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। क्या हुआ, मार्च से पहले ज्वाइनिंग किसी की नहीं हुई है, किसी का जून में हुआ है, किसी का जुलाई में हुआ है, किसी का अगस्त में हुआ है, तो क्या आप बोनस के लिए एलिजिबल हैं। तो पहली बात कहा जाए नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट मार्च 19 से जनवरी 19 से लेके मार्च 19 तक के बीच में कोई ज्वाइन किया है तो इनको बोनस मिलेगा, लेकिन वो मात्र 3 महीने, 2 महीने या 1 महीने का जितना सूटेबल होगा वही मिलेगा रेशियो में, यानी जितना बोनस मिलेगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 12 मंथ और गुना कर दिया जाएगा आपकी ड्यूटी की। समझ गए होंगे किसको मिला, कितना मिलेगा बोनस, किसको मिलेगा बोनस, क्या नए ज्वाइनिंग को मिलेगा। तो एक साल और वेट कीजिए, जब 2020 की बोनस आएगी उसमें आपका जितना दिन का बनता है, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, वो बोनस आपको 2020 में मिलेगी, 19 में नहीं मिलेगी। ऑल ऑफ द राइट, ख़त्म। अब यहाँ बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं पीएलबी बोनस का मतलब क्या होता है। रेलवे में जो आपको बोनस मिलता है उसको बोलते हैं पीएलबी, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्टिविटी, एल से लिंकेड, बी से कहते हैं बोनस, इसका फुल फॉर्म ये है प्रोडक्टिविटी लिंकेड बोनस। रेलवे अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको बोनस मिलेगा, अगर 90% से इस लिमिट से कम करती है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। ये लगातार 6ठा या 7वां साल है जिसमें 78 दिन की बोनस की अनाउंसमेंट हुई है, यानी रेलवे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए रेलवे अच्छा परफॉर्म करे आपको भी जॉब अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा।
साथ में पॉलिसी को अच्छा से इम्प्लीमेंट करके और अच्छा बढ़ाना, तभी बोनस के हकदार होंगे। नहीं तो रेलवे बोनस की घोषणा नहीं भी कर सकता है, कोई ये ज़रूरी नहीं है। तो दो चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि डीएमआरसी में क्या पीएलबी मिलता है? तो डीएमआरसी में मिलता है एक्स ग्रेसिया, ग्रेसियो कह सकते हैं, ग्रेसिया कह सकते हैं, जिसका मतलब ही सीधा होता है अनुग्रह, अनुग्रह पूर्वक दिया हुआ एक मुफ्त राशि, यानी ये भी एक बोनस ही है जो एक्स ग्रेसिया के रूप में मिलता है। और ये भी परफॉर्मेंस पे ही मिलता है कि रेलवे अगर डीएमआरसी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पूरे साल में अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी हुई, तो बोनस ज़्यादा मिलेगा और नहीं मिलेगा। अब लोगों का सवाल है कि हम रेलवे में हैं तो रेलवे में तो 78 दिन का बोनस है, मेट्रो में 2018 में 40 दिन का बोनस मिला था, दोनों में कौन सा बेटर है? यानी इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट और बच गया है, तीसरा नंबर, किसको मिलेगा बोनस, किसको नहीं मिलेगा बोनस। तो ग्रुप रेलवे ग्रुप सी एंड डी के जितने भी कर्मचारी हैं, अगर कह दें इसको नन गजेटेड, यानी नन गजेटेड जितने भी कर्मचारी हैं सबको मिलता है बोनस, बशर्ते आप टाइम फ्रेम 2018 के मार्च से लेके अप्रैल से लेके 2019 के मार्च तक आपने रेलवे में जॉब किया है, जितना दिन के किए हैं उतना दिन को आपको रेशियो में मिल जाएगा। लेकिन सीएनडी में दो कर्मचारी और भी होते हैं रेलवे में, आरपीएफ और आरपीएसएफ, इनको ये बोनस नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी रेलवे के जितने भी बी एंड ए ग्रेड के अफसर या गजेटेड ऑफिसर होते हैं, यानी कह दे सीनियर सेक्शन इंजीनियर से ऊपर वाले जो पोस्ट हैं गजेटेड में, उनको बोनस नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा कितने को बोनस मिलता है, केवल ग्रुप सी एंड डी को। अगर सेम कंडीशन डीएमआरसी में कहेंगे तो डीएमआरसी में ए बी सी डी जितने भी इम्प्लाई है सबको बोनस मिलता है। एक डिफरेंस यही है कि डीएमआरसी और रेलवे में अंतर ये है, तो डीएमआरसी में सबको बोनस मिलता है। हाँ, ए और बी वाले के लिए अपर लिमिट क्रॉस कर जाती है कि इससे ज़्यादा बोनस आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि डीएमआरसी के बोनस कैलकुलेशन और आपका यहाँ का अंतर पड़ता है। तो वही बात कर लेते हैं, अब कैसे कैलकुलेट होता है। रेलवे का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है, लिंकेड बोनस है, इसका कैलकुलेशन एक अलग आधार पर किया जाता है, कितने लोगों का होता है, कितना मिनिमम सैलरी है, कितना प्रोडक्टिविटी अच्छा है, उसके हिसाब से अगर 78 दिन यहाँ बताया जा रहा है, सबको मैक्सिमम 17,591 रुपये बोनस के रूप में मिलेगा जब आपने 12 मंथ की प्रॉपर ड्यूटी है। कुछ लोग कहते हैं कि बोनस किसको रोक दिया जाता है, तो आप 3 मंथ से ज़्यादा अब्सेंट होते हैं गवर्नमेंट जॉब में तो आपकी बोनस रोक दी जाती है। अनऑथराइज अब्सेंट, लीव की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने छुट्टी अपनी ले ली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिना बताए 3 महीने से ज़्यादा गायब हैं तो आपकी बोनस नहीं दिया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया जाता है। शायद अलग अलग जगहों पे टाइम फ्रेम थोड़ा दिक्कत अलग हो सकता है। अब यहाँ पे रेलवे की बात की है तो 17,951 रुपये मैक्सिमम बोनस मिलेगा या इससे कम मिलेगा, यानी डी कर्मचारी को थोड़ा और कम और सी में है तो थोड़ा सा ज़्यादा, यानी इसके आसपास तक मैक्सिमम पहुँच सकते हैं। किसी को 16,000, किसी को 15,000, किसी को ऐसा बोनस मिलता है। तो 78 दिन में आपको 17,951 रुपये मिल रहे हैं, तो डीएमआरसी की कैलकुलेट कर ले, डीएमआरसी में 40 दिन मिला था। तो डीएमआरसी का बोनस कैलकुलेशन करने का सिंपल से फंडा है, जो इम्प्लाई चाहे बी में हो, आपका बी में हो, ए में हो, सी में हो, डी में है, उनका वर्तमान बेसिक क्या है। डीएमआरसी में वर्तमान बेसिक मिनिमम मेंटेनर या टेक्नीशियन की 25,000 है, इसके गुना का 40 दिन, यानी गुना 40 डिवाइडेड बाई 30, महीने के 30 दिन होती है, यानी इसको फैक्टर के रूप में रखेंगे तो 1.3333 से गुना आपकी बेसिक की हो जाएगी, चाहे आपकी बेसिक 35,000 हो, चाहे बेसिक आपकी 1,00,000 हो, चाहे मेट्रो के हमारे और भी गजेटेड ऑफिसर हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी बेसिक हो, उनके अनुसार से उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ये फैक्टर।
तो मान लीजिए आपका 25,000 बेसिक है, सबसे लोएस्ट पोस्ट की डीएमआरसी की कैलकुलेट कर लेते हैं, जो ओपन मार्केट से डायरेक्ट एग्जाम लिया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 25,000 को अगर 1.33 से करेंगे तो मेट्रो में मिलेगा मिनिमम इस जो लोएस्ट कर्मचारी है उसको 33,000, और अगर रेलवे में 78 दिन की बोनस करें तो इनको मिलेगा 17,591 मैक्सिमम। अगर मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस भी करना चाहेंगे तो दुगुना का, सेकंड गुना का है, यानी 78 दिन कहने के लिए रेलवे में बोनस है, मेट्रो का 40 दिन उससे ज़्यादा है, समझ गए होंगे। उसी तरह अगर कोई 35 जेई की बेसिक में है, 40-45 एसी के बेसिक में है, तो उनकी बोनस अगर 35 वाले का तो 46,550 रुपये के समथिंग बैठेगा, ऐसे ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो दोनों में किसकी बोनस अच्छी है, तो डीएमआरसी की है, डीएमआरसी पीएसयू यूनिट है, रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोडक्ट लिंकेज बोनस है, दोनों का अलग अलग डिफरेंस है। और अगर अलग कंपनियों में जाते हैं, जैसे आपका पीएसयू यूनिट में ही नवरत्ना वगैरह है, वहाँ की बोनस और ज़्यादा होती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, जिसमें था अधिकतम बोनस कितना मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको रेलवे में है तो 591 है, और मेट्रो की अलग लिमिट होती है अधिकतम, जिसको आपको अलग से मिलेगा। तो ये पूरी डिटेल था, आपने समझ गए होंगे कि बोनस का मतलब क्या है। लेकिन फिर भी रेलवे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है, अगर सबको 17,591 से कम भी देता है तो इसके लिए 2,044.31 करोड़ रुपये पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि रेलवे की इम्प्लाई 1,11,91,000 एग्जैक्ट अभी के आसपास है, जो बोनस के लिए अप्लीकेबल लगभग है। 1,11,91,000 को देना है तो ये अमाउंट ह्यूज अमाउंट हो जाती है, जिसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो समझ गए होंगे सारा डिटेल, किसी को नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए कि 2019 वाले ज्वाइनिंग को बोनस तभी मिलेगा जब आपकी ज्वाइनिंग आपकी मार्च से पहले हुई है। उसके बाद पीएलबी का मतलब क्या होता है तो जानते हैं, प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस है। उसके बाद आपको डीएमआरसी में बोनस ज़्यादा मिलता है या रेलवे में, तो डीएमआरसी की बोनस रेलवे की बोनस से 1.5 से 2 गुना 2 से 2.5 गुना पोस्ट के अनुसार बढ़ते जाता है, यानी जितना ऊंचा पोस्ट उतना ज़्यादा बोनस। उसी तरह और अगर नवरत्ना कंपनियों में जाते हैं तो वहाँ और ज़्यादा बोनस मिलता है, 78 दिन के बोनस में आपको इतना ही मिलेगा, 17,591 मैक्सिमम या इससे कम मिलेगा। तो ये है डिटेल रेलवे का बोनस और डीएमआरसी बोनस।